सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चार लोगों को अपने घर से कभी मत जाने दें खाली हाथ, वरना जिंदगी भर रहेंगे परेशान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नंबर एक, भिखारी। अगर कोई भी भिखारी आपके दरवाजे पर कुछ भी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएं। उन्हें कुछ पैसे, कपड़े या फिर खाने लायक कोई भी चीज जरूर दे देना चाहिए। नंबर दो, अपाहिज। अगर आपके दरवाजे पर कोई अपाहिज आता है तो उस भिखारी या विकलांग की आवाज लगाने पर उसकी मदद जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु की प्रतीक माना जाता है और इनकी मदद में इन्हें दान देने से आपकी कुंडली में इन पापी ग्रहों का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। नंबर तीन, सलाहकार। अगर दरवाजे पर कोई सलाहकार या ज्ञानी या कोई संत महात्मा आए तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं जाने दें। इनसे ज्ञान प्राप्त करें और इनका आशीर्वाद भी लें और इनकी जरूरत के हिसाब से इन्हें चीजें दान में दें। ऐसे करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर चार, किन्नर। अगर आपके घर या काम की जगह पर किन्नर आकर कुछ मांग ले तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं। किन्नरों को दान देने से कुंडली में बुध ग्रह को मजबूती मिलती है, जो भाग्य उदय करने के लिए माने जाते हैं। इसलिए किन्नरों को कुछ न कुछ दान में दें।